नमोस्त राय सलक्ष्मणा दस्कात्मजाई नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमले नमोस्त चंद्राकमगणेभ्य उपस्थिता श्रोता आचार्य महदसौभाग्य विषय यद इदानमस्म गणे अस्माकुरचरण कार्यक्रमम प्रचलति गुरु चरणान उद्दिश्य कश्चन कार्यक्रमः प्रचलतिदानीं अद्य अहं पुनः भवतां समेषां पुरतः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डम् पाठयितुं उपस्थितोऽस्मि तत्र यथा अहं स्मरामि येद अद्य अष्ट नवतिहि अथच नव नवति या कारिका विद्यते तयो हो यथामति हो यथा व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति तत्र अहम पूर्वम अष्ट नवति या कारिका विद्यते तस्याहा कारिकायाहा यह विवेच्य विषयहा तम उपस्थापयामि कारिकायाहा स्वरूपमस्ति ಗ್ರಹಣ ಯದಗ್ರಹಣಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗ್ಯತೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಂಜ್ ಭಾವ ತಫೋಟನಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅಯಂ ವರ್ತದೆ ಯದ ಶಬ್ದ ಅಭಿವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ಜನ್ಯತ್ವಸ್ತಿ दार्शनिकेशु, दार्शनिकेशु यह न्याय दार्शनिकेशु न्याय दार्शनिका वर्तन्ते ते शब्दाः अनित्याः भवन्ति इति स्वीकुर्वन्ति शब्दः तनमते शब्दः अनित्यः भवति बहुभिः अनुमान प्रमाण प्रमाणैः तैः साधितं इयदा शब्दः अनित्यः किन्तु असमनमते शब्दः नित्यः भवति अनित्यः नास्ति अतः भर्तृहरिः इदं साधयति साधक वादक प्रमाणाभ्यां यद शब्दः नित्यः इत्तेव स्वीकृतव्यः तत्र तैहि अनुमान स्वरूपं दत्तम् यस्य निराकरणाय इदं पद्यं लिखितवानस्ति अस्य पद्यस्य विवेचनं आगतमस्ति तत्र स्वरूपमस्ति अनुमानस्य स्वरूपमस्ति यद शब्दः नाभिव्यञ्जत शब्दः नाभिव्यद्यते शब्दः नाभिव्यद्यते अभिव्यक्ति कारण नियम दर्शनात् घटादिवत् शब्दः नाभिव्यज्यते अस्मिन् अनुमानस्वरूपे शब्दः पक्षः अभिव्यङ्ग्यत्वाभावः साध्यः अभिव्यक्ति विपरीत नियम कारण नियम दर्शनत्व हेतुः घटवदिति दृष्टांतः अनेन अनुमानेन तईहि शब्दः अनित्यहैति साध्यते किंतु भर्तृहरि इदं न स्वीकरोति तत्र पूर्वं कारिकायाः इयत् कारिकायाम अस्ति कारिकायां एषाब्दाः आगताः तेसाम् शब्दानां पूर्वं अर्थं उपस्थापयानि अनन्तरम् इदमनुमानं कथन्नं भवितुं रहति हेतुः तो विविचरितत्वात् इत्यस्य चर्चा इत्यस्य विवेचनं अग्रे करिष्यामि तत्र कथयति यत् यथा ग्रहण ग्राह्ययोः योग्यता नियता अयं दृष्टान्तः अनेन दृष्टान्तेन अथवा अमुं दृष्टान्तमादाय अग्रे साधयति स्फोटनादयोः योग्यतापि नियता सिद्धा भवति अत्र ग्रहणं ग्रहणम् अर्थात् ज्ञानकारणं ग्राह्यं ज्ञानविषयः ज्ञान कारणस्य ज्ञान विषयस्य च ज्ञान कारणं अन्यत् भवति ज्ञान विषय अन्यत् भवति एक एकम सूत्रम अपि आगतम काव्य प्रकाशस्य द्वितीय उल्लासे ज्ञानस्य विषयो अन्यत् फलमन्नित उदाहितम इति अर्थात ज्ञान कारणं भिन्नं भवति ज्ञानस्य विषयः भिन्नं भवति ज्ञान कारण ज्ञान विषयोहो मध्ये भेदाहा। तत्र प्रकृते ज्ञान प्रकृति ज्ञान कारणमस्ती ध्वनि ही, ज्ञान विषय हस्ती शब्दाहिति। तो एवं ततः पूर्वम् लोके यथा चक्षुरादि चक्षुरादि इंद्रिय चक्षुरिंद्रियम् ज्ञान कारणम तस् विषयः रूपादि ही अनयोह मधे ब्यंग व्यंजक भावः भवति प्रकाश प्रकाशक भावः भवति न तु जन्य जनक भावः ज्ञाने इंद्रियाणि न नजनयन्ति किंतु विषयम् व्यंजयं विषयान् व्यंजयं ति इदम

उभयो मध्ये प्रकाश प्रकाशक भाव व्यंग व्यंजक भाव व्यंज व्यंजक भाव से भाव से या योग्यता यत सामर्थ्यम सा नियता वर्तते अर्थात कदापि व्यभिचरिता न भवति अविचलिता अस्ति इंद्रियाणाम स्वविषयेषु अनादिर योग्यता इति भर्तृहरि उक्तवान् इंद्रियाणाम स्वविषयेषु अनादि योग्यता

श्रवणेन्द्रियेण शब्दस्यैव ग्रहणं श्रवणेन्द्रियस्य विषयः शब्दः एव अन्यः कश्चन विषयः न भवितुमर्हति चक्षुरेन्द्रियस्य विषयः रूपमेव भवितुमर्हति रूपविषये एव तस्य अनादियोग्यता सिद्धा न तु चक्षुरेन्द्रियेण कदाचिदपि रसस्य ग्रहणं न वा कर् श्रोत्रेन्द्रियेण कदाचिदपि रूपस्य ग्रहणं इयञ्च योग्यता अनादिकालात सिद्धा वर्तते निश्चिता वर्तते तथा विषयेन्द्रियो प्रकाश प्रकाशक भाव अनादिकालत सिद्ध तदवद स्फोटनादयो अपि नाद ना, नादपदेन ध्वनि ग्राह्या

कस्य आपि विषयस्य उत्पादकन न भवति, किंतु विषयस्य ज्ञापकम् भवति। तदोवदेव ध्वनि ही सवदस्य ज्ञापकम् भवति, ज्ञापको भवति, सवदस्य उत्पादको न भवति ध्वनि ही। एवं रीत्या ध्वनि स्फोटयो अपि व्यंग व्यंजक भावहा अनादिसिद्धा वर्तते। अनादिकालाद् अयम् अपर्व अपरिवर्तिता इयं रीतिः अस्याः रीतेः कदापि परिवर्तनं न कर्तव्यं भवति कदापि परिवर्तनं न कर्तुं शक्नुमः इति कारिकायाम् आगताः कारिकायां पठिताः ये शब्दाः यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां आयम अक्षरार तत्र पूर्व पक्षा कहा स्थिति यहाँ इदानी मुपस्था प्यायमी अनंतरम उत्तरम तस्य भविष्यति। लोके दृश्यते यत्र यत्र अस्ति कारण नियमहाना तत्र तत्र जन्न जनक भावह एवं दृश्यते। आयम पूर्व पक्षरूपेण वर्तते। यत्र यत्र कारण भावहां यत्र यत्र कारण नियमहां तत्र तत्र सारावत्र जन्नजनक भावः एवं दृष्टि यथा घटन्धन्दयोः मध्ये कार्य कारण भावः घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता कारणता धन्दे विद्यते अतः धन्दे न जन्न्यः भवति घटः एवमेव मृत्पिंडातः मृद घट सरावदयः जायन्ति तत्र भवति कार्य कारण भावः एवमेव एव दुग्धादेव दधि जायते इति नियमः यत्र यत्रास्ति कारिकर्ण भावनी महा तत्र भावः दुग्धाद दधि एव दधि जायते दुग्धादेव दधि जायते नहि जलाद दधि जायते एवम सति दुग्धनिष्ठ कारणता निरूपिता कार्यता दधनी विद्यते दध, दधनी जन्यता आस्ति दधनी निष्ठ जन्यता निरूपिता जनकता पैयसी विद्यते एवं कि इति कारण नियमहलोके दृश्यते यत्र तु व्यंग्वेन्जक भावः प्रकाशसे प्रकाशक भावोवा तत्र कारण नास्ति यथा घटा घाता दया संती। घटस्य व्यंजका यथा प्रदीपा भवती, यथा प्रदीपेन अभिवेद्यते घटा यथा प्रदीपेन अभिवेद्यते अभिवेद्यंते वा घटा यथा प्रदीपप्रकाश का प्रदीपा हा व्यंजका भवती घटस्य तथा मणि ही अपि घटस्य व्यंजिका भव व्यंजिका व्यंजिका भवति एवं एव चंद्रा इमे सर्वे घटस्य व्यंजिकाह भवंति तत्र नायम कारण तत्र नायम नियमह यद प्रदीपे नैव घटस्य अभिव्यक्तिर भविष्यति नतु आदित्यन नतु चंद्रमसा अथवा चंद्रेण वा नवामणिना घटस्य प्रकाशनम न भविष्यति घटस्य ज्ञानम न भविष्यति घटस्य अभिव्यक्तिर न भविष्य नियम नास्त कार्य कारण भाव स्थले नियम वर्तते यद मृत्ति कया घटा एव उत्पद्यते मृत्ति कया घटा ए मृत्ति का घटा एव जायते मृत्ति घट एव जायते एवं सती नियम वर्तते जन्य जनक भाव स्थले किंतु व्यंग व्यंजक भाव स्थले प्रकाश प्रकाशक भाव स्थले कारण से नियम नथा घट, घट अभिव्यक्ति कारणम

सह सर्व अपि घट से अभिव्यंजक भवित शक्नो अतः त्र नियम नास्त प्रदीपे नट से अभिव्यक्ति अथवा आदि नट से अभिव्यक्ति नियम न वर्तते किंतु स्फोट से अभिव्यक्त तो कारण नियम दृश्यते स्फोट यथा घटस्य उत्पत्तौ कारण नियम दृश्यते तथा स्फोट से कारण नियम दृश्य से कस्त सह कारण नियम यद कवर्ण स्फोट कपदेन कंठ कंठाघात जन्ने नैव ध्वनिना व्यज्य कंठाघात जन्न कवर्णेन कस्फोट कवर्णस्फोट एव विद्यते नहीं खध्वनि ना कवर्ण स्फोट यह ध्वनि ही या एन ध्वनि यस्य ध्वने कंठाभिघात भवति तेन कंठाभिघातेन ध्वनिना तस्यैव वर्णस्य अभिव्यक्ति ही नान्यस्य वर्णस्य अतः अत्र कारण नियमः दृश्यते कदापि न भवती यदा कंठाभिघात ध्वनिना कवरना त्रिकत्स्यों कवरनस्या अभिव्यक्ति ही न भवती अथवा ताल्वभिघात जन्नी एनों ताल्वभिघात जन्नी एनों अभिव्यक्ति न भवती कवरना अभिव्यक्ति न भवती

तस्येव वरन्नस्फोटस्य अभिव्यक्ति ही वरनान्तरस्य या धनिनान्तरेन नहि तस्य वरन्नस्य अभिव्यक्ति भवति तालु अभिघातेन तालु अभिघात जन्नेन धनिना कवरन्नस्य कवरन्नस्फोटस्य अभिव्यक्ति न भवति इति रीत्या अत्र कारण नियमः यथा लोके कारण नियमः यदा अस्य कार्यस्य इदमेव कारणं कारणान्तरन्न भवितुं अरहति एवम रीत्या यथा लोके कारण नियमः अस्ति तथा ध्वनिस्फोटयोः मध्ये अपि कारण नियमः एव दृश्यते व्यंग्वेंजक का भावस्थले कारण नियमः न भवति तयतः ध्वनिस्फोटयोः मध्ये कारण नियमः दृश्यते लोकवत् अतः अत्र जन्नजनक भावः एव भविष्यति प्रकाश प्रकाशक भावः न भविष्यति प्रकाश प्रकाशक भावस्थले कारण नियमस्थ अदर्शनात जन्नजनक भावस्थल जन्नजनक भावस्थले कारण नियम दर्शनात एवं सति एवं वक्तुम सक्नुमा यद ध्वनिस्फोटयो मध्ये जन्नजनक भावः वद कारण नियम दर्शनात् प्रकाश प्रकाशक का भाववद कारण नियम दर्शना भावात अत्र जन जन ध्वनिसफोटयोहु मध्ये जनजनक भावह एव भवितुम सकनोति प्रकाश प्रकाशक भावह भवितुम न सकनोति अयत्रापि कारण नियम तत्र उत्पत्तिरेव भवति यथा घटादिवत् शब्दस्य एवरी घटा दिवत शब्द से उत्पत्तिरव्यति न तो अभिव्यक्ति मा अन प्रयोग यद शब्द अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शनात् शब्द न्यज्य अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शनात् घटादिवत् यथा घटे कारणनियमः दृश्यते अतः तत्र जनजनकभावः एव घटस्य कारणानि निश्चितानि सन्ति सुनिश्चितानि सन्ति निर्धारितानि सन्ति तत्र परिवर्तनं न भवितुं शक्नोति एवं रीत्या शब्दस्यापि कारणानि निश्चितानि

तदेव तदेव शब्दः नाभिव्यज्यते अभिव्यक्ती विपरीत कारण नियम दर्शनात अभिव्यक्ती विपरीत अभिव्यक्तौ किम भवति अभिव्यक्त, यथा यथा पुनः पुनः कथयामि यद अभिव्यक्तौ कारण नियम न भवति यथा उक्तमेव मया यद घटस्य अभिव्यक्ती हि यथा चंद्रेण चन्द्रमसावा भवति तथैव आदित्येण तथा तो मणिना तथा तो व प्रकाशे न दीपक प्रकाशे न एवं रीत्या अभिव्यक्ति स्थले कारण नियम नास्त जन्य जनक भाव कारण नियम अस्त शब्द कारण नियम दृश्य एवं रीत्या अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शना घटादिवत शब्द नाभिव्यज्य शब्द नाभिव्यज्य अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शनात घट आदिवत इत्यनुमान प्रयोग हा अनेन अनुमानेनो अत्र किम साध्यते शब्दे जन्यत्तम साध्यते दार्श अन्येहि दार्श, अन्येहि अन्ये दार्शनिकेहि अतः तेसां दार्शनिकानाम यन्मतम जन्यत्व पक्षात्मकम तम्पक्षम मनसि निदाय भर्त्रिहरि ही उत्तरं ददाती भर्त्रिहरि ही समाधानं करोती यद एवं नास्ती यद, यद व्यंग व्यंजक कारण नियमह नास्ती व्यंज व्यंजक स्थले पिकारण नियमह वर्तते येतो ही व्यंग्या हा विषयाह निष्चिताह नसंती केनचित जनेन दृष्टांतम ओकेनचित जनेन दृष्टांतः दत्तः यद यद घटस्य प्रकाशः घटस्य घटस्य अभिव्यक्तिः यथा यथा दीपकेन तथा मणिना इत्यादि रित्य किन्तु भर्तृहरि कथयति यद व्यंग व्यंजक भावस्थलेपि कारण कारण कारणनियमः दृश्यते एवं नास्ति यद् कारण कारणनियमः न दृश्यते यथा किं चक्षुषारूपस्यातिरिक्तं शब्दं ग्रहणं कर्तुं शक्नुमः शब्दस्य ज्ञानं भवितुमर्हति अथवा किं श्रवणेन्द्रियेण

న్యనియమేంద్రియేణ రసస్క్తి అభివ్యక్తి విషయాంతరస్ నీనియమతి వ్యంగ్యంజకభావస్థలే కారణనియమే

अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शनात यह हेतु अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शन दर्शन अवत्वात्मक यह दर्शन अवत्वात्मक यह हेतु सह हेतु व्यभिचरित रूप चक्षुरेन्द्रिय रूपयोह मध्ये रूपचक्र रूपे रूपचक्रें मध्ये आयम हेतुह व्यभिचरिता व्यभिचरि व्यभिचारी यहा हेतुह या व्यभिचारी यहा साध्यम भवती साध्या भावस्थले पियदि तिष्ठति तिष्ठतीचेत सह हेतुह व्यभिचारी भवती व्यभिचा व्यभिचरितेन हेतुना साध्यस्य साधय साध्यस्ते सिद्धि नभवितुम् सक्नोति इति कृत्वा अत्र अनुमानः अत्र अनुमानन नभवितुम् सक्नोति चक्षुः ग्राह्यमेव रूपम् रूप ग्राह्य कमेव चक्षुरिति इति वर्तते एवम् सति अयम् हेतुः किं भवति अनाय कांति कहां अनाय कांति अयं कारण नियमहा अनाय किं भवति अनका यह हेतु वस्तुतः हेतु नु हेतुवद प्रतिभासते सहतु हे व्यचारी तेन हेतु साध्यस्य सिद्धि न सति शब्दः न्यज्य कारण विपरीत अभिव्यक्ति कारण विपरीत निमदर्शना ಸಾಧ್ಯ ಶ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಂಜಕ ಅಗ್ರಿಮಾರ್ರಹಣದೀನಾ ಪ್ರಕೆ ಪ್ರತಿ ದ್ರವ್ಯ ಅವಸ್ಥಿ ತದೇ ಪ್ರತಿಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ

दृष्टान्त समीचीन नास्ति कारणम् यद कारणम् इदम् अस्ति यद रूप चक्षुरेन्द्रिययोः व्यंग व्यंजक भावः सुनिश्चितः एवमेव रस तदिन्द्रिययोः या तदिन्द्रियस्य व्यंग व्यंजक भाव सुनिश्चिता अतः तत्र लौकिकाहि विषयाहा रूप-रस-गंध स्पर्श रूप-रस-गंध रूप-रस-गंध स्पर्श शब्द इत्यादयाहा ये लौकिकाहि विषयाहा तेसु समेसु विषयेसु भिन्नेन्द्रिय ग्रहीत्वम् विद्यते समानेन्द्रिय ग्रहीत्वनास्ति एकण कदापि न समय संग्रहण होती प्रत्येक प्रकाशक इंद्रिय प्रत्येक ज्ञापक इंद्रि भिन्न भिन्न होती अतः तत्र यद्यंग व्यंजक भावेश व्यंग व्यंजक भावस्थले कारण नियम है यहाँ विषयः एके नैव इंद्रियेना ग्राहीः यह भवति यहाँ विषयः एके नैव इंद्रियेना भवति चेतः तत्र तत्र नायम नियमः तत्र अयन नियमः नवक बक्तुम्सक्तुमः यदा यत्र यदा कारण नियमः नास्ति अत्र ही का चा टा ता, 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 ता पा इति का चा टा ता पा इत्यादि वर्णध्वनिषु नायम व्यंजक नियम अयम व्यंजक नियम नास्ति समेशा व्यंजकता समेशा व्यंग समेशा व्यंजकता ध्वनि निष्ठ ध्वनिकृता विद्यते यथा तत्र ंद्रियु मध्ये इंद्रिया मध्ये भेद तथा अेद न एक ध्वनि कदाचि पकारध्वनि कदचि ककारध्वनि कि ध्वनिध्वनि ध्वनि कदाचितालुअभिघातजन्य सहित कदाचि कंठस्थनज कदाचि ओष्टअस्थनजन्य ओष्ठ स्थान ओष्ठ अभिघात जन्य भवति भवतु ततद् स्थान अभिघात जन्य ध्वनि किन्तु तेनैव ध्वनिना समेशाम वर्णानां अभिव्यक्तिः अतः एकेंद्रिय ग्राहियत्वात् अत्र नियमः वर्तते यद अनेन अस्यैव अभिव्यक्ति रीति तद कथयति यद त असेव प्रश्नस्य उत्तरम् दातुम इदम् पद्यम् लिखितम् आचार्येनो सदृशक् ग्रहणानांचा गंधादीनाम् प्रकाशकम् निमित्तम् नियतम् लोके प्रतिद्रव्यम् अवस्थितम् सदृशक् ग्रहणानांचा अभिनेन अभिनेन्द्रिय ग्राहीयानाम् अर्थात अभिन्नेन्द्रिय ग्राह्याणाम अभिन्न अर्थात एकेन्द्रिय ग्राह्याणाम गंधादी नाम कस्य गंधादी अर्थात कुंकुम गंध सक्तु रसादी नाम गुणा नाम प्रकाशक निमित्त लोके प्रत्यक्षे जगति प्रतिद्रव्यम् अवस्थितम् प्रतिद्रव्यमर्थात् कुङ्कुमसक्तुकादिप्रत्येकद्रव्ये अवस्थितं पृथक् पृथक् व्यवस्थितं वर्तते नियतमस्ति पृथक् पृथक् व्यवस्थितमस्ति यद् अस्य एतन्निष्ठस्य गन्धस्य व्यञ्जकः अयमेव एतन्निष्ठस्य गन्धस्य व्यञ्जकः अयमेव इति

विन्यंत्रिय ग्राहीय स्वरूपरसादिसु एव व्यंग-विन्यंजक भावनिया महाभवति किंतु तुल्येन्द्रिय समानेन्द्रिय एकेन्द्रिय ग्राहीय येसु अपि गंधादिसु गंधादिसु व्यंग-विन्यंजक भावनिया महा व्यर्तते एव यथा अभिन्न एकः एव एकमेव ग्रहणेन्द्रियं किंतु गंध भिन्न भिन्न कुंकुम से गंध मृत्ति पुष्पस्य पुष्प से गंध अथ चक्तु सक्तु, सक्तु इत्यादि नाम गंध अर्थात ए पदार्थ ए पदार्थ सी यानी द्रव्याणी सी यथा अहम उतवा मृतिका नूतनः घटः अन्यह व अन्यह कश्चन विषयः सर्व सर्वेषु गंधः वर्तते सर्वेषु गंधः अंतर्हितः अस्ति किन्तु अंतर्हितस्य गंधस्य प्रकाशकः ग्राणेन्द्री एव ग्राणेन्द्री एव भवति एके नयव ग्राणेन्द्रिएण समेसाम गंधानां प्रकाशः भवति समेसाम गंधानां ज्ञानं भवति परञ्च कस्य गन्धस्य प्रकाशकः कह इत्यत्र अस्ति नियमः यथा गोघृतस्य यथा कुङ्कुमः कुंकुमस कुंकुम निष्ठा यह गंधा तस्य गंधस्य प्रकाश अथवा तस्य गंधस्य प्रकाश कम गो घृतमीयब भवति नहीं अन्येन केन चिदपिद्रब्येण कुंकुम निष्ठस्य गंधस्य ज्ञानम भवति कुंकुम निष्ठस्य गंधस्य ज्ञानम कुंकुम निष्ठस्य गंधस्य अनुभूति ही अथवा तस्य प्रकाशा गोग्रिते नहीं वभवति। तो गोग्री गोग्रिते न हो अथवा गोग्रिते न कुंकुमनिष्ठा यह गंधा यदा तस्य ज्ञानम् किंतु तस्य गंधस्य ज्ञानम् केन इंद्रिये भवति यदा ब्रिच्छेते तदा ग्राणे एवमेव किम यथा गो घृतम कुंकुम निष्ठ से गंध तथा किम पाषाण निष्ठ से गंध से कदापि न भवि तुम अर्ती निश्चित अस्ती अभी चम गो घृतम कुंकुम निष्ठ से गंध से तत्र वर्तते गो किंगो घृते कुंकुम निष्ठस्य से गंध से उत्पत्ति ही भवती न कदापि भवती कुंकुम निष्ठस्य से गंध से उत्पत्ति गो घृते नवती किंतु गो घृते न तस् भवती ज्ञापित कुंकुम निष्ठ से गंध से ज्ञान च्राणेन्द्रियण भवती अयमस्ति क्रम एवं सती गो घृते न कदापि पाषाण निष्ठ से गंध से प्रकाश ಅಥ ಇದම් ಬक्್तुම් सಕ್हा यದ ගೋගृತනಕ ගधा ඒ व्यज್्यತೆ නතුುಪसाಣ ගध ಥः व्यంග व्यंජක भावस्್थಲපಿ अන් ඒ್ ඒ್व्यంග व्यंಜක भावस्थಲपಿ कारරण नಮහ दृष್्यತೆ ం ම් न್තුुම් सಕ್මहा ದ.

वर्षा वर्षार ये तो प्रारंभा प्राथमिकी वर्षा भवती यदा तदा ता अथवा मृत्यु का आया निष्ठा या गंधा तस्य गंधसे प्रकाश हावती कष्टन नूतना घटा विद्यते तस्मिने घटे या दा जलम प्रक्षिप्यते तदा तद नूतन घटनिष्ठा है यह गंधा तस्य गंधस गंधस्य ज्ञापनं भवोति ज्ञानं जब भवोति ज्ञानेन्द्रियः एवमेव एवमेव अथवा एवमरित्यायिदं भक्तुम्सक्नुमा हा यदा सरावादे हे गंधस्य व्यञ्जकम् उदकम् एव उदके नैव

त्रापि तत व्यंग व्यंजक भाव स्थलेपि कारण नियमः विद्यते अपि च अभिनेंद्रियेन एकेन्द्रियेन व्यंग व्यंजक भाव स्थलेपि कारण नियमः एवम रित्य इदं न वक्तुं सक्तमह यद अभिनेंद्रिय स्थले अभिनेंद्रिय स्थले यः व्यंज व्यंजक भावः

अभिन्न एक इंद्रिय स्थले कारण नियम दृश्यते थे रीत्या यह अनुमान प्रयोग कृत यद शब्द नाभिव्यज्य अभिव्यक्ति विपरीत कारण नियम दर्शनात् समीचीन नास्ति यतो हि अभिव्यक्ति स्थले विपरीत कारण नियम दृश्यते సమ సమకారణనియమ్యారణనియమతిన అంధస్ ప్రకాశ ప్రకృతే ధ్వనిస్ఫోటోయ్యే తాదృశీ స్థితి స్ఫోటర్ వ్యంగ్యంజక వ్యంగ వ్యంజక భావస్థలేదమే వక్తవ్యం यदा ध्वनि ही स्पोट आक्षेस सबदस्य प्रकाश कहा ध्वनि ही स्पोट आक्षेस सबदस्य उत्पादक कहनास्ति उत्पादक कत्तम ध्वनि निश्था, नास्ति किंतु व्यंजक कत्तमस्ति एवमरीत्या ध्वनि मध्ये योगों जन्नजनक कारण नियम दरसनात उत्पाद्य उत्पादक भावः न कर्तव्यः किंतु व्यंग्य व्यंजक भावः एवंस्वी कर्तव्यः यथा घट इंद्रियोऽहो घट चक्षुरे चक्षुरेन्द्रिय घटायोऽहो मध्य अथवा इंद्रिय विषयोऽहो मध्य एवं बक्तुम्सक्मः इंद्रिय विषयोऽहो मध्य यथा व्यंग्य व्यंजक भावः एकमपि इंद्रियम कस्य आपि विषयस्य उत्पादकन्न भवति, किंतु व्यंजकमेव भवति। प्रकाशः हा, दीपका प्रकाशः, सूर्यस्य प्रकाशः, चंद्रमसः हा प्रकाशः हा, घटस्य उत्पादकान्न भवति, किंतु घटस्य व्यंजकाभवति। यहा महाता, महादंधकारे, विद्यमानः यहा पूर्वता हि विद्यमानः यहा घटा हा, पूर्वतस्पूर्वता विद्यमानस्य वघटस्य या पूर्वतः बता है विद्यमानस्य विसायस्य व्यंजकह भवती प्रकाशः प्रकाशः कस्यापीसेयत् मणे प्रकाशः स्यात् सूर्यस्य चंद्रमसः अन्यस्य वाक्कसचित प्रकाशः स्यात् तो किंतु पूर्व बता है विद्यमानस्य घटस्य व प्रकाश कहा यदि घटह तत्र पूर्व बता है नविद्यते चेत भवतु कस्यापि प्रकाशः घटस्य ज्ञानं न भवितुं शक्नोति एवं व्यंग व्यंजक भावस्थले स्थले यह व्यंजक भवति तेन व्यंजकेन व्यंग्यस्य उत्पत्तिः न भवति व्यंग्यस्य उत्पादकः न भवति किन्तु तस्य प्रकाशकः एव भवति तस्य ज्ञापकम् एव तस्य ज्ञापकता एव विद्यते तद् विष तं विषयं प्रति ध्वनिस्फोटो तादृशी एव स्थिति स्वीकर्तव्या ध्वनि प्रकाशकफोट प्रकाश्य ध्वनि व्यंजक स्फोट व्यंग्य रीत्या अत्र शब्द अस्मन मते अभिव्यक्त अभ्यज्य शब्द न तो उत्पद्यते अतः सब्दा अस्मनमते नित्या नित्यस्य सबदस्य ज्ञानम ध्वनिना एव भवति इदानीं एकं बाक्यं बदामी यद वस्तु बहुधा आगतं वर्तते यद ध्वनि रहितस्य उपलब्धि उपलब्धीना भवति ये तो उपलब्ध स्फोट से उपलब्धे है विद्यते ध्वनि ही स्फोट से उपलब्धे है विद्यते ध्वनि ही तो स्फोट से उपलब्धे है विद्यते यत ध्वनि ही तदा किम स्फोट ध्वनि व्यतिरिक्त ध्वनि भिन्न स्फोट भिन्न अथवा ध्वनि रूप है यत्र कुत्रापि कार्यकारण भावः भवतु सह कार्यकारण भावः जन्यजनक रूपेण व्यंग व्यंजक भाव रूपेण वा निश्च प्रचमेव कार्य कारण भेदे सत्यव कार्य कारण भाव कार्य कारण कार्य कारण भावयोः मध्ये ऐसां मते अभेदः विद्यते। तन मते पि व्यक्ता व्यक्तयोः कृताः भेदः हस्ति। व्यक्तावस्था तस्य कार्य व्यक्तावस्था तस्य कार्यता अव्यक्तावस्था कारणता होति। ऐसां दर्शनिकानां मते कार्य कारण भावयोः मध्ये अभेदः विद्यते। तन मते व्यक्ता व्यक्तो कृत भेद विद्यते अव्यक्तावस्था भवतु घटे मृत्ति का नास्ति अन्यः कशन पदार्थः अन्य किंचि द्रव्य मृत्ति किंतु तस्या मृत्ति घट अंतर्ता वर्तते किंतु यावद सह घट न धारयति तावद सा मृत्ती सा यदा यती धारयती तदा घटपद व्यवहार योग्या बवती अथवा तस्य आकृतिविशिष्टस्य घटपदेन व्यवहार वे पश्या एका विद्यते किन्तु व्यवहारे जगति वयं व्यवहरामः यद अयंगणेशः भगवान गणेशः इयं दुर्गा इयं काली इति सर्वत्र मर्तिका विद्यते किं कारणमस्ति यद वयं व्यवहरामः अयंगणेशः इयं दुर्गा इयं काली अयम शंकरः आकृति भेदात् अन्यत अन्य कश्चनपि भेदः नास्ति मात्र आकृति कृतः भेदाः आकृति भेदाद एव तस्याह यो मृतिकाय कृते कदाचित गणेशत्वेन कदाचित दुर्गात्वेन कदाचित् च कालीत्वेन व्यवहारः क्रियते का... मात्र आकृति भेदात् अतः एषाम कार्य कारणयो मते कार्य कारणायोर मधे अभेदः तत्रापि व्यक्ता व्यक्तक्रता हा भेदः विद्यते एव असमन्मते पि राहू सिरशोः मधे भेदः नास्ति तथापि छन्निक भेदस्य उत्पादनम् उत, पा, तत्रापि क्रियते एतद् छनावच्छिन्नः राहू एतद् छनावच्छिन्नः केतुया सिराहिति इत्यादि क्षणिक भेद से कल्पना तत्रापि क्रिय थे एवं रीत्या यत्र कुत्रापि कार्य कारण भाव सच कार्य कारण भाव उत, उत्पाद्य उत्पादक भाव रूपेण सात अथवा व्यंग व्यंजक भाव रूपेण सात अर्थात घट दंडयो रीव अथवा घट इंद्रियो इव आ, दंडे ओ घटे कार्यतास्ति घटे व्यंग्यता वर्तते मात्र भेद अयमे यद दंडनिष्ठ कारणता निरूपिता कार्यता चक्षुरेन्द्रिय निष्ठ व्यंजकता निरूपिता व्यंग्यता <coughs> तो किंतु भेद अस्त दंड घटो मध्ये अभेद नास्ति इंद्रिय इंद्रिय घटयो मध्य अभेद नास्ती एवं रीत्या उत्पाद्य उत्पादक उत भाव रूप कार्य कारण भाव भाव सैत व्यंग व्यंजक भाव रूप व कार्य कारण भाव सैत उभयो कार्य युत्रापि कार्य कारण भाव तत्र भेद विद्यते अत्र ध्वनि ध्वनि स्फोटो मध्ये अपि कार्य कारण भाव है सच्च कार्य कारण भाव भवतु व्यंग व्यंजक भाव रूपेण प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठितः अस्ति व्यंग्य व्यंजक भाव रूपेण किंतु अस्ति कार्य कारण भावः कार्य कारण भावः अभेदेन भवति सर्वत्र कार्य कारण भावयोर मध्ये क्षणिकः भेदः एव स्यात् किन्तु भेदः काल्पनिकः भेदः एव कथन्न स्यात् किंतु भेदः अस्ति अतः ध्वनि स्पोटाइयोर मध्य भेदा कश्चन कस्तन संसायहनास्ति यदा ध्वनि स्पोटाइयोह मध्य भेदा तदा इदम कथम जनाह यवरंति यद ध्वनि रूप दोन ध्वनि रूस रूसिता है यव सब्दा हा उपलब्ध ध्वनि वितरिक्ता हा स्पोटात्मका सब्दा इदम् सत्यम् किंतु ध्वनि ही आवरणमस्ति ध्वनि ही सब इस पौराख्य सब ध्वनि ही आवरणम् यावत् आवरण रूपस्य ध्वनेह निवृत्ति न भवति तावत् सब दश्य यत् वास्तविकम् स्वरूपमस्ति यह सब्दा सब, ब्रह्मपदवाच्यः यह शब्द अनाहत नादात्मक शब्द से वास्तविक ज्ञान न होती एवं रीत्या यत बहुधा प्रतिपादितं विद्यते यत ध्वनि काले एव स्फोटक का। ध्वनि कालानुपाति इति लिखितमेव आचार्य भर्तृहरिणा ध्वनि का ध्वनि अर्थात यस्मिन् काले ध्वनि ध्वनि स्फोट हो मध्य काल भेदानास्ति एकस्मिन् काले एवं यस्मिन् काले ध्वनि उपलब्ध्यते यस्मिन् काले ध्वने उपलब्धि ध्वने हैं ज्ञानम् काले नियवकाले स्फोटसे ज्ञानम् अतः एक काले उपलब्धि कारणत्वात समाने काले उपलब्धि सत्वात ध्वनि वितरिका ूपएव फोटा हिती कदाचित व्यवहारा हिती लिखत्मा इति प्रतिपाधतमस्ति किंतु वास्तवि कृत वास्तवि कदृष्ट पारामार्थिक दृष्ट्या इदम स्तरवं असत्य मस्ति एवं कदापिनभ होती हम एक अनभूतिम गथयाम थवा दसचिित गंथस्य प्रसंग वर्तते तद कथयामि यद एका शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुःख भवति इति श्रुतेः व्याख्यानं एकस्मिन् एकस्य उपनिषदि मया तत्र साधितं वर्तते यद एका शब्दः सम्यक् ज्ञाता स्वर्गे लो सुष्ठ प्रयुक्ता है अन्य कथा स्वर्गे लोके च काम धुप भवत अभीष्ट फल भाग भवत भा तत्र सम्यक ज्ञाता इत्यस्य यद व्याख्यानम यद प्रतिपादन कृतम उपनिषद तद अतीव सुंदरम समीचीनम तत्र कथित यत् सूत्रद्वयस्य योग एकस्य सांख्य सूत्र से द्वितीय योग सूत्र तत्र

तद्दतिरिक्तस्य वस्तुना अथवा यह धैय विसाया हस्ती तद तदिक्तस्य धैय विसाया तदिक्तस्य विसायस्य प्रतिबिंबम अन्तःकारणे न भवितब्यः मात्र तस्येयो विसायस्य प्रतिबिंबम अन्तःकारणे भवितब्यम् यस्य यह विसाया हा धैय धेय विषय सेव जीवाया उच्चारण करतब्यं आयमेव जपाहा जपाहा अयमेव <laughs> यह यह विषय हा धेय हा धेय विषय हा तसेव इस्मारणम् बुद्धिगुहायाम अंतःकरणे भवितब्या भवितब्यम् ध्यानम् अथवा तस्यैव च जिह्वया उच्चारणं कर्तव्यम् एवं रीत्या अनन्तरञ्च द्वितीयं सूत्रं योगसूत्रं दत् दत् दत्तमस्ति यत् प्रत्यै तत् प्रत्यैकताध्यानं तनु विस्तारे इति धातुः वर्तते अर्थात् ध्येयविषयस्य अथ च उच्चरितस्य च ध्येयविषयस्य अतस्य विषयस्य एन शब्देन उच्चारणं क्रियते द्वयोः एकतानता विस्तारः भवितव्यः विस्तार ततपदेने इदं ग्राह्यं यद यदा यथा यदास्माभिः जलधारा जलधारायः प्रक्षेपणं क्रियते शिवस्य उपरि जलधारा दीयते तदा किं भवति धारायाम् धारा विच्छिन्न न भवितव्य अर्थात एक सतत रूपेण सा धारा भवेत तस्यां धारायां विच्छिन्नता न भवितव्य स भवति एकतानता एवम्रियत्या धेय विषयः जीवया च उच्चरितः अतस्य धे तस्य धेय शब्द वर्तते तस शब्द यदा जिहिवया उच्चारण क्रियते तदा ध्येय विषय अथच्या जिहिवया उच्चरितस्य शब्द उभयोः हो, अविच्छिन्नता भविव्या रीत्यैव रीत स्फोटात्मक शब्द ज्ञान अन्य तदा आवरणरूपेण यह ध्वनिः विद्यते सनई सनई अभ्यासे न तस्य धोने हैं निवृत्ति आवरण रूपेण न विद्यमाना यह धोनी यह धोनी ही, तस्य धोनो हैं निवृत्ति यदा यदाच तस्य धोने निवृत्ति धोने निवृत्ति ही भवति, तदा स्वक्षा वास्तविक वास्तविका स्वरूपा हा निर्मला हा तर साक्षात कुत्र साक्षात्कार बुद्धिगुहाया अवेचनीय विषय वर्त रीत भर्तृहरी ध्वनिस्फोटो मध्ये व्यंग व्यंजक भाव साधि अय अतीवरुचि विषय महान विवेचनीय विषय अहम मात्र प्रसंगम कथयामी अयम् विषय च उपनिषदे अथच शोतापनिषदि अथच योगसूत्रे अपख्यसूत्रे ध्यानं यदा ध्यान विद्यते, ध्यानं निर्विषयं मनः मन इति प्रसंग सांख्यसूत यदा याद ग्रन्थचतुष्टयस्य अस्माभिः अध्ययनं क्रियते तदैव वस्तुतः एकः शब्दः सम्यग्ज्ञात ज्ञातः इत्यस्य तात्पर्यं ज्ञातं भवति अथ च रीति ज्ञान तस्य रीते ज्ञानं भवति यद साक्षात्कारः कथम भवति अतीव योगसूत्रे उक्तं वर्तते यद तस्से वाचकः प्रणवः तत जपः तद भावनं च जपः भावनं इत्युभयोः शब्दयोः व्याख्यानं कृतं योगसूत्र भाष्यकारण जप किमस्ति यथावत् शब्दोच्चारणं ध्यानं त भावनां तजपः भावनां भावनां किमस्ति तदाकाराकारित चित्तवृत्तिः अर्थात यथावत् पुनः पुनः शब्दस्य उच्चारणमेव जपः जपे अन्यत् किमपि न भवति यस्य मंत्रस्य अस्माभि जपः क्रियते तस्यैव पुनः पुनः उच्चारणं क्रियते तेन किं भवति तेन इदमेव तस्स तात्पर्यमिदमेव विद्यते यत् यः धेय विषयः अंतःकरणे बुद्धिगुहायं तस्य धेय विषयस्य तेन शब्देन सह अविच्छिन्नता स्यात् यस्य उत्जीवया यस्य उच्चारणक्रियते उत तस्येव अन्तःकरणे ध्यान तस्येव अन्तःकरणे इस मरणम् सेठ अन्यस्य कस्यचिदपि इस न भवित यदि एवम् अभ्यासक्रियते चेत तदा पञ्चचक्रेषु योगशास्त्रे मूलाधारतः आरभ्य सहस्रार्ध चक्र सड़ चक्राणाम् बरनानाम् कृतम् वर्तते तेसु चक्रेषु प्रथमा प्रथमम् चक्रम भवति मूलाधार चक्रम मूलाधार चक्रता आरब्यः सहस्त्राधार चक्र पर्यंतस्य परियं, यारि गति